हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है। मंत्रिमंडल की शपथ समारोह के बाद तमाम जो मंत्री बने हैं उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी मंत्रियों के कार्यालय में पहुंचे हैं और उनको जिम्मेवारी सौंपी है। मेरे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है। सर, मुख्यमंत्री आपके कार्यालय पहुँचे, आपको कुर्सी सौंपी और आगे बढ़ने के लिए आपको शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री के इस फैसले को, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज ऑफिस से मुझे जो सरकारी काम संभालने की जिम्मेदारी दी है जी, इसको निभाएंगे और मुख्यमंत्री जो आशीर्वाद दिया है जी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे जी। आप सर, आपके पास जो है वो कई महत्वपूर्ण महकमे हैं, लेकिन परिवहन विभाग जो है वो खास तौर पर आपको दिया गया है। हरियाणा में परिवहन विभाग के मंत्री के नाते आपकी क्या योजना रहेगी, किस तरीके से काम करेंगे और क्या आपने कोई प्लान सोचा है? सर, देर रात तक आपके जहन में कुछ आया होगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिलने के बाद। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मेरी जिम्मेदारी दी है और अभी तो मैं आज पहली मेरी सिटिंग है, अभी थोड़ा काम को समझेंगे आप लोगों से, अधिकारियों से सारी चीज़ करके फिर जो है उस पर काम करेंगे जी। आप मूलचंद शर्मा को जो है वो आप फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, या यूँ कहें कि अब तो आप केवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र या बल्लभगढ़ तक सीमित नहीं रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते आप पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। आप जो आपको जिम्मेवारी मिली है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के नाते और आपकी विधानसभा के नाते, आप संगठन का, सरकार का किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जो सरकार ने, जो संगठन ने जिम्मेदारी ये है, ये पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को हम सब मिलकर ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, इन तीनों के साथ हम इसको पूरा करेंगे और ईमानदारी से जो मंत्रालय, ईमानदारी के साथ इसको आगे बढ़ाने काम करेंगे और जो बेकायदे हैं उनको भी मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो बेकायदे हैं उनको भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। मूलचंद जी, परिवहन विभाग जो हरियाणा का है वो पूरे देश में नंबर वन का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट माना गया है। हरियाणा रोडवेज की जो बस है वो अपने आप में हरियाणा की नहीं, पूरे देश में उसकी शान है। अगर आप पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी हरियाणा रोडवेज की जब बस जाती है तो लोग उसको पसंद करते हैं। हरियाणा रोडवेज की एक बड़ी पहचान है। इस पहचान को मूलचंद शर्मा कैसे आगे लेकर जाने के लिए क्या योजना बनाएंगे सर? नहीं, जो पहचान है उसमें मूलचंद शर्मा भी, प्रदेश के लोग भी और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद की पहचान सब लोगों से है। हरियाणा के जितने लोग हैं ये हरियाणा की अपनी पहचान है, सरकार की हो या ट्रांसपोर्ट की हो, इसको सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और पहचान को हर आदमी प्रयास करता है कि मेरा आगे बढ़े, उस तरह आगे लेके जाए। जी, जल्द कोई बैठक अधिकारियों की बुलाकर आगे की रणनीति पर पूरी रूपरेखा बनाएंगे कि अधिकारियों के साथ समीक्षा करके स्थिति का अवलोकन करेंगे? करेंगे जल्दी, अगले उसमें आप तो जिम्मेदारी है, अगले उसमें वीक में करके जो भी अधिकारी बात करेंगे भी क्या क्या है उसे सब पर बात करेंगे। धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। तो परिवहन मंत्री जो है वो हमारे साथ थे और ये कह रहे हैं कि जल्द जो है वो अब काम पर लौटेंगे और अगले हफ्ते में कामकाज को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही उन्होंने उनको जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री ने और संगठन ने, सरकार ने जो दी है उसके लिए संगठन का, मुख्यमंत्री का, नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया है।